बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलूँ जैसा कि 17 मई से फ़्लाइट्स ओपन होने जा रही हैं, तो बाज़ ज़राए से ये बात मालूम हुई है कि सऊदी हुकाम की जानब से यह कहा गया कि 15 मई को एक आम इजलास या मीटिंग होगी, जिसमें यह फ़ैसला किया जाएगा कि किन ममालिक की फ़्लाइट्स ओपन की जाएँ। और इससे पहले भी सऊदी हुकाम की जानब से यह कहा गया है कि एक फहरिस्त तैयार की जाए जिन ममालिक में सफ़र करना मुनासिब नहीं और महफूज नहीं, जैसा कि पहले भी 20 ममालिक की एक फहरिस्त तैयार की गई थी और उसमें पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के भी नाम थे कि इनकी फ़्लाइट्स को बंद रखा जाए। तो इस लिहाज से अभी सऊदी हुकाम की जानब से एक नया ऐलान हुआ था कि जिसमें यह कहा गया था कि महफूज ममालिक की एक फहरिस्त तैयार की जाए और उस पर काम किया जाए कि किन ममालिक की 17 मई को या उसके बाद फ़्लाइट्स ओपन की जाएंगी। तो इस लिहाज से 15 मई को बाज़राए की तरफ से ये बात मालूम हुई है कि एक इजलास होगा और उसमें यह फ़ैसला किया जाएगा कि किन ममालिक की फ़्लाइट्स को ओपन किया जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर